देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर, इसका करीब 500 किलोमीटर लंबा हिस्सा पाकिस्तान से सटा हुआ है। दूर दूर तक फैला रेत का समंदर और भीषण गर्मी में तपते रेतीले धोरों पर रोजाना सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय कर मतदाताओं तक पहुंचना किसी भी प्रत्याशी के लिए सबसे अहम चुनौती है। इस चुनौती को पार पाने के लिए भाजपा के कैलाश चौधरी मैदान में डटे हैं। उनका सामना स्वाभिमान की लड़ाई के नाम पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल से है। खास बात यह है कि दोनों प्रत्याशी 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में पराजित हो चुके हैं। इस समय बाड़मेर भी प्रदेश की राजनीति की हॉट केक सीट बनी हुई है। अनिल जी, कैलाश चौधरी तो बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से बायतू से चुनाव हारे थे, पर मानवेंद्र सिंह की हार को इसलिए नहीं कनेक्ट कर सकते, वो झालावाड़ जाके वसंत राजे के सामने लड़े थे जी। तो झालावाड़ का बाड़मेर से कोई देना देना नहीं है, इसलिए वो हार मानवेंद्र सिंह की नहीं, वो एक प्रतीकात्मक हार थी। वसंत राजे के सामने कोई भी लड़ता शायद ही जीत सकता था जी। तो उनको एक प्रतीकात्मक रूप से वहां लड़ाया गया था। अभी मानवेंद्र सिंह एक बार वहां से सांसद रह चुके हैं, हार भी चुके हैं चुनाव। उनके पिता जसवंत सिंह जसोल, जो भाजपा सरकार में, अटल जी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, बड़े भारी भरकम थे, उनका टिकट पिछली बार काट दिया गया था। कर्नल सोनाराम कांग्रेस से फांद के बीजेपी में आ गए थे रातों रात और उनको टिकट दे दिया गया था। जसवंत सिंह जसोल ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और 80,000 वोटों से 85,000 वोटों से हारे थे, वो इंडिपेंडेंट रहते हुए मोदी लहर में। मोदी लहर, जाट प्रत्याशी, कांग्रेस का कूद कर फांद के आया हुआ निवर्तमान सांसद मात्र 85,000 से हारा था इंडिपेंडेंट जसवंत सिंह जसोल से। इसलिए मानवेंद्र सिंह जो वहां एक बार सांसद रह चुके हैं और जसवंत सिंह के बेटे हैं, उनकी वहां पर पकड़ निस्संदेह अच्छी पकड़ है। और इस बार विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में अच्छी कांग्रेस ने परफॉर्मेंस दिखाई, 7 सीटें जीती है जी। वहां पर मुस्लिम वोटों का बड़ा भारी प्रभुत्व है, साले मोहम्मद है, गाजी फकीर का इलाका है और जाट वोटों का है निश्चित तौर पर, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, और राजपूत जाट कभी एक दूसरे वोट देते नहीं है वहां पर, वहां ट्रेडिशनली दोनों अलग अलग चलते हैं। पर वहां पर कल्याण सिंह कालवी जो राजपूत होते थे, नागौर से जाके चुनाव लड़के जीत के आए हैं बाड़मेर से जी, जनता दल के चुनाव चिन्ह पर 89 में। और रामनिवास मिर्जा भी नागौर से जाके चुनाव लड़ जीत के आए हैं, अभी एक राजपूत एक जाट है, दोनों नागौर से गए। और एक बार कल्याण सिंह कालवी भी जीत गए, एक बार कांग्रेस टिकट पे रामनिवास मिर्जा भी जीत गए, एक जाट भी जीत गया, एक राजपूत भी जीत गया। तो ये कहना कि सीट जो जाट सीट है या राजपूत सीट है बिल्कुल गलत होगा। मेरा मानना यह है कि मुस्लिम मतदाता वहाँ निर्णायक है, राजपूत मतदाता, जाट, विश्नोई और मेघवाल जी। अब आप इस सीट की बात देखिए, यहाँ पर भी अमृत नाहटा जैसा व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत चुका है, जैन, श्वेतांबर जैन, अमृत नाहटा 2 बार MP बने, एक बार वो कांग्रेस की टिकट पर बने और एक बार इंडिपेंडेंट बने, नहीं शायद दोनों बार ही कांग्रेस की टिकट पर बने जी। 2 बार कांग्रेस की, रामराज परिषद भी वहां एक बार जीत चुकी है तन सिंह जी, पर तन सिंह जी बाद में अपोजिशन पार्टी से लड़े और स्वतंत्र पार्टी से भी लड़के हारे तन सिंह जी। राजा वहां के रघुनाथ सिंह पहला चुनाव जीते थे, लेकिन अमृत नाहटा कोई जाति समीकरण ऐसा था नहीं, लेकिन अमृत नाहटा, श्वेतांबर जैन ओसवाल वहां से 2 बार बने, फिर वृद्धिचंद जैन वो भी जैन 2 बार रहे। तो जैन मतदाताओं का भी वहां पर एक निर्णायक फैसला हो सकता है, वो मोदी के साथ जा रहे हैं या मानवेंद्र सिंह के साथ जा रहे हैं, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। और मानवेंद्र सिंह की वहां पर जो पकड़ है वो बहुत अच्छी पकड़ है। कैलाश चौधरी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पहले विधायक रह चुके हैं बायतू से, मानवेंद्र सिंह भी शिव से विधायक रह चुके हैं वहां पर, तो दो विधायक, दोनों एक एक बार विधायक रह चुके हैं और मानवेंद्र सिंह एक बार सांसद रह चुके हैं, पिता का चुनाव लड़ाने का अनुभव भी है उनके पास और पिता के भाजपा से बाहर जाने के बाद उपजी सहानुभूति भी उनके साथ है और वो बगावत करके कांग्रेस में आ गए बीजेपी छोड़ करके। तो ये बहुत रोचक चुनाव होने वाला है, खास तौर पर बीजेपी ने कर्नल सोनाराम, शायद 4 बार वहाँ से सांसद रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 बार सांसद हैं कर्नल सोनाराम, 3 बार कांग्रेस से, 1 बार बीजेपी से, उनका टिकट काटा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने 5 साल सांसद रखा, इस्तेमाल किया और फिर बाहर कर दिया। और कर्नल सोनाराम फिर कांग्रेस में आने की कोशिश करते रहे, पर कांग्रेस ने उनको स्पष्ट जवाब दे दिया कि उनको टिकट नहीं दिया सकता, मानवेंद्र सिंह से कमिटेड थी जी। अब कर्नल सोनाराम इस वक्त क्या भाजपा से टिकट कटने का बदला लेने को देते हैं जी।
या चुप बैठे रहेंगे या मानवेंद्र सिंह का साथ देने की कोशिश करेंगे। अभी ये बहुत इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि वहाँ पर जाट वोटों का राजपूतों के साथ जाना बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पार्टी लाइन पर भी लोग काम करते हैं और हरीश चौधरी वहाँ से सांसद भी रहे हैं, हरीश चौधरी इस वक्त मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, तो हरीश चौधरी को काम करना पड़ेगा मानवेंद्र सिंह के लिए, हालांकि वो भी टिकट मांग रहे थे। तो ऐसा नहीं है, पार्टी लाइन पर भी वोट बढ़ता है, राजपूत वोट बीजेपी में भी जा सकता है, कुछ जाट वोट कांग्रेस में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं बिल्कुल जातीय मतदान होगा, कांग्रेस बीजेपी होगी वहाँ पर, मुस्लिम मतदान जो होगा उसके बारे में माना जा सकता है कि वहाँ पर चूँकि कांग्रेस 2 सीटें देती है मुस्लिम को और वो वहाँ मंत्री पद भी देती है, तो कांग्रेस के साथ रहते हैं मुस्लिम वहाँ पर ज़्यादातर, और जैन समुदाय और मेघवाल समाज के लोग बहुत हैं वहाँ पर, मेघवाल काफ़ी हैं, जनरल सीट है लेकिन मेघवाल काफ़ी हैं वहाँ पर, तो वो मेघवाल किधर जाएंगे इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अनिल जी, यूँ तो पूरे चुनाव से ही मुद्दे गायब हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पेयजल सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं, आपको लगता है वो कहीं यहाँ पर हैं? देखिए, पानी की तो तकलीफ वहाँ बाड़मेर में हमेशा से रही है, लेकिन अब पानी वहाँ आ गया है और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी आया और जालौर तक आ गया नर्मदा का पानी, तो ये पानी की समस्या पहले जैसी विकट नहीं है लेकिन है अभी भी, और पानी की समस्या मुद्दा बनेगी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में मुझे लग नहीं रहा कहीं पे पानी की बहुत विकराल स्थिति होती जा रही दिन पर दिन जी। पर पानी के लिए कोई आदमी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति से सवाल नहीं कर रहा अभी तक, जो देखने में आया है जी। कि हम ये खाली मटका फोड़ दें या पानी हमारे को कहाँ से दोगे। एक अजमेर में जरूर रिजू जिंदवाला बोल रहे हैं कि मैं इतना पानी लाऊंगा अजमेर में कि गली गली टैंकर भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। अब कहाँ से लाएंगे कैसे लाएंगे, चंबल का पानी लाने की बात कही, जैसे सीपी जोशी लेके आए थे भिलवाड़ा में चंबल का पानी, वो भी चंबल का पानी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज किसी भी प्रत्याशी को मैंने पानी को मुद्दा बनाते हुए नहीं देखा और पानी को मुद्दा बनाते हुए अभी मतदाताओं को भी नहीं देखा है। अभी तो या तो मोदी है या कांग्रेस है जी। और मोदी नहीं है तो कांग्रेस क्यों है उसके भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें वर्तमान चीफ मिनिस्टर भी हैं, जाति समीकरण भी हैं, कुछ प्रत्याशी भी हैं, तो कुछ मोदी का विरोध भी है कई जगह, अपनी अपनी नज़रिए से लोग देखते हैं चीज़ों को, तो इसलिए पानी का मुद्दा मुझे, रिफाइनरी का मुद्दा बन सकता है कि रिफाइनरी लेट की बीजेपी ने जी, जी। तो और अशोक गहलोत रिफाइनरी लगाना चाहते थे, बीजेपी कहती रिफाइनरी में घाटा दे रहे थे अशोक गहलोत राजस्थान सरकार को, पर 5 साल में रिफाइनरी की दिशा में कुछ नहीं हुआ। अशोक गहलोत इसको मुद्दा बना सकते हैं, कांग्रेस बना सकती है कि हमारी वजह से जो रिफाइनरी आई थी रोजगार मिल सकता था, अब तक वो रोजगार नहीं मिला, डिले हुआ 5 साल, ये एक मुद्दा वहाँ जरूर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है जी। चलिए, तो समय बस होने ही वाला है, आज हमने बात की जोधपुर लोकसभा सीट की। एक मैं बीच में कहना चाहता हूँ बात और, कि कैलाश चौधरी को जो टिकट दिया गया वो बहुत डाउन टू अर्थ वर्कर है पार्टी के जी। और आरएसएस का वर्कर उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर इस वक्त काम कर रहा है, बीजेपी काम कर रही है पूरी तरह, और मैं नहीं जानता कि वहाँ पर कोई चुनाव में सांप्रदायिक या धार्मिक रंग फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये डर जरूर वहाँ पर है कि आखिरी समय में ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो उससे शायद प्रशासन को भी सतर्क रहना पड़ेगा, मतदाता को भी सतर्क रहना पड़ेगा, उम्मीदवारों को भी सतर्क रहना पड़ेगा जी। चलिए, सत्ता संग्राम में आज हमने बात की बाड़मेर सीट की और जोधपुर सीट की, दोनों ही सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है, मतदान करने जरूर जाएं, मतदान हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।